कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। किसान भाई हो, देखो खेती किसानी के बूता हमन सामान्य रूप से खेत में करथन। समय बदल गए, जमीन कम हो गए, वैज्ञानिक विधि आ गए, ओला कथे संरक्षित खेती। संगवारी हो, आज आप मन देखत हो हमन चर्चा के विषय जी यहाँ राखे हन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में पॉली हाउस में मैं खड़े हो संगवारी हो। तो संगवारी हो, हमन आज पॉली हाउस में चर्चा करबो कि गोभी वर्गी सब्जी के संरक्षित खेती कैसे करे जाए। संगवारी हो, बात आते कि संरक्षित खेती के संभावना काबर आईस, काबर एकर जरूरत पड़ीस। भाई समय बदल के संगवारी हो, जमीन कम होवत है, जगह जगह मकान बनत है, खेती किसानी के बार जगह नहीं है, लेकिन थोक बहुत भी ऐसा जगह है तो वैज्ञानिक विधि से संरक्षित खेती यदि करबो तो रोग राइस भी बांध जबो, लागत ला भी अच्छा ले सकत हन, आर्थिक रूप से हमारा सुदृढ़ हो सकत हन और देश के तरक्की पर अपन योगदान बहुत अच्छा दे सकत हन। खासकर आज कार्यक्रम ला युवक मन देखी, बेरोजगार युवा संगवारी मन देखी, तो ओकर बर बहुत अच्छा लाभ के आज चर्चा हमार रखे हन। तो संगवारी हो, चर्चा ला मैं शुरू कराँ, ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश, ओला देखो। हमारे यहाँ जो ठंड का सीजन है जिसको हम रबी की फसल बोलते हैं, जो कि सामान्यतः 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में बुआई की जाती है, तो छत्तीसगढ़ चना के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। यहाँ पे हम चने की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में यदि करते हैं तो ये सामान्य तौर पे हमको 15 मार्च के आसपास हम इसका हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूर्णतया छत्तीसगढ़ जो है अनुकूल जलवायु है चने के लिए। इसके अलावा जब हम इसकी ज़मीन की बात करते हैं तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि चना के लिए हमको काली मिट्टी हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, कन्हारी मिट्टी जिसको बोलते हैं, और उसका उस ज़मीन में यदि हम चना लगाते हैं तो चना सामान्य तौर पे अत्यधिक उपज हमको प्राप्ति मिलती है चने की। तो किसान भाई भूमि का चयन करते समय ध्यान दें कि यदि काली मिट्टी या डोरसा या कन्हार इस टाइप की ज़मीन पे यदि बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको लाभदायक उपज प्राप्त होगी। तो किसान भाई हो, आज संदेश के बाद आवाओ एक घाव फिर मैं आप मन के स्वागत करत हूँ और गोभी वर्गी सब्जी के संरक्षित खेती कैसे करे जाए ये विषय में हम चर्चा करबो। वैज्ञानिक विधि से खेती करना है संगवारी हो, तो वैज्ञानिक ला बुलावत हूँ हमार बीच आज आप मन ला चर्चा करे बर, आप मन ला बात बताए बर। वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक आइए डॉक्टर हेमंत पाणिग्रही जी, ओकर से सबसे पहले यही सवाल आप मन डहाले करना चाहत हो संगवारी हो कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जोन माटी है, यहाँ के जोन वातावरण है, कभू भी कुछ भी हो जाते, आजकल बहुत संभावना रही थे, तो का गोभी वर्गी साग के संरक्षित खेती के संभावना ओकर महत्व आज के समय में हाबे और हाबे तो कैसे का कहा थे पाणिग्रही है देखो। गोभी वर्गी सब्जियों की खेती की अपार संभावनाएं छत्तीसगढ़ में हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु जिस प्रकार से है इसमें गोभी वर्गी सारे, चाहे फूल गोभी की बात करें, चाहे पत्ता गोभी की बात करें, चाहे ब्रोकली की बात करें या केल की बात करें, सारे गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती आसानी से की जा सकती है। यहाँ की जलवायु इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, खासकर जो ठंड की जलवायु होती है यहाँ पे सभी गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती आसानी से की जा सकती है। आधुनिक खेती जो है ये खेती का नया तरीका है। सबसे पहले किसान भाई खेती करते थे बाहर में गोभी वर्गीय सब्जियों की, चाहे फूल गोभी ले लें, पत्ता गोभी ले लें, ब्रोकली ले लें, ये सबकी खेती पहले से भी की जाती रही है, लेकिन आधुनिक खेती में क्या है, पॉली हाउस बनाया जाता है, नेट हाउस बनाया जाता है और उसके अंदर में खेती की जाती है। इसमें कई अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे गोभी वर्गीय सब्जियों में कीट पतंगों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, डिसीज़ जो बीमारी होती है उसकी प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, और अल्टीमेटली बाहर में जो सनराइज़ बहुत ज़्यादा होता है और इसमें इंटेंसिटी जो सोलर की इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे गोभी वर्गियों में मिठास कम हो जाती है, और अंदर में देखें तो मिठास जो पहले खेती करते आ रहे थे उस समय पहले अच्छे बहुत अच्छी मिठास होती थी, उसी प्रकार से मिठास पॉली हाउस के अंदर या नेट हाउस के अंदर मिठास प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज़ ये बहुत ज़्यादा समस्या आज के समय में होती जा रही है, तो किसान भाई इसके लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में
इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज को मारने के लिए बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही खतरनाक है और मृदा के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। और इससे हमको स्वाद तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जो मानव हेल्थ है वो खराब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। तो इसके लिए संरक्षित खेती की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, आज देख रहे हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात, तो कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी अधिक ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो किसान भाई बाहर में खेती करते हैं तो उनकी जो खेती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और कई किसान भाई लोन लेके खेती करते हैं, जो किसान भाई उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्षति हो जाता है। इस विपरीत परिस्थितियों को झेलने के लिए जो वातावरण संरक्षित खेती का है, चाहे पॉली हाउस हो चाहे नेट हाउस हो, इसमें अगर खेती करें तो किसान भाई साल भर खेती कर सकते हैं और अत्यधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई हो देखे हो, बहुत संभावना बतावा थे संरक्षित खेती के। और संरक्षित खेती काबर, सामान्य रूप से हमन खेत में खेती करथन कोई भी साग भाजी के, तो रोग राई लगे के संभावना ज़्यादा रही थे, अचानक मौसम में बदलाव आ जाते ते में नुकसान हो जाते, ओकर सेती संरक्षित खेती को लौटना है, ऐसे की ही से बहुत संभावना है। अब बात आते जमीन के, पॉली हाउस में हम खेती करथन, संरक्षित खेती करथन, तो जमीन कैसे होना चाहिए, जमीन के तैयारी हम कैसे करें, ये बात ल बतावत है पानी ग्रही जी है, अब का बतावत है आप मन देखो। देखिए, जमीन की जो तैयारी है जैसे बाहर किसान भाई करते हैं वैसे ही करनी पड़ती है। इसमें जमीन की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, और दूसरी जो जुताई दो जुताई है कल्टीवेटर से करनी चाहिए, और उसके बाद एक या दो बार रोटावेटर से जुताई करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि मिट्टी जो होती है वो भुरभुरा हो जाती है। भुरभुरा हो जाने के बाद अगर पॉली हाउस में खेती करना है तो मादा सिस्टम बनाया जाता है, मादा जिसको बेड बोलते हैं, वो मादा सिस्टम बनाने के बाद एक मीटर की दूरी पर या एक बीस की मीटर की दूरी पर मादा बनाया जाता है। और मादा में दो लाइन गोभी वर्गीय सब्जियों को लगाया जाता है, चाहे फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो चाहे ब्रोकली हो, दो लाइन जो पेड रो सिस्टम हम बोलते हैं, उस पेड रो सिस्टम में इसको लगाई जाती है। इसके बाद इसको क्या करते हैं कि बहुत सारे इसमें परेशानी भी होती है, जो मल्चिंग करना चाहिए अंदर में अगर खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग बहुत ही आवश्यकता होती है, जो पलवार जिसको कहा जाता है हिंदी में, प्लास्टिक का पलवार, या किसान भाई जिसके पास प्लास्टिक का पलवार उपलब्ध नहीं है तो घास का पलवार भी कर सकते हैं और धान के पैरा का पलवार भी कर सकते हैं। इसमें जो नींदा आते हैं वो नींदा की समस्या से बचाया जा सकता है, तो इसमें इस प्रकार से खेती की जा सकती है। जमीन की तैयारी कैसे होना चाहिए बतावा तरी से संरक्षित खेती में, देखो संगवारी हो, पॉली हाउस के अंदर भी आप मान ला जमीन के तैयारी के बेरा मल्चिंग लगाना है, मल्चिंग के भीतर में पाइपलाइन डालना है, ये सब ला ढाक देना है, एकर से का होते रोग राई लगे के संभावना बहुत कम हो जाते। पानी भी हम देवो तो टपक सिंचाई के माध्यम से देवो, ये आधुनिक खेती संरक्षित खेती है। अब बात आते कि गोभी वर्गीय साग में चाहे ब्रोकली हो चाहे फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो, ये लगाना है तो कैसे लगाना है, नर्सरी लगाना है कि बीजा लगाना है, और नर्सरी लगाना है तो नर्सरी की तैयारी हमला कैसे करना है, और कतका दिन बाद वाला लगाना है, मल्चिंग लगे है तो कतका कतका दूरिया में हमला लगाना है, तभी तो वैज्ञानिक खेती की बात हो ही संगवारी हो। तो पूरा बात ला बतावा थे पानी ग्रही जी हाँ, और का कहा थे संगवारी हो आप मन देखो। देखिए, इसमें क्या करते हैं, पहले संरक्षित खेती में खेती करने से पहले मादा बनाई जाती है, मादा बनाने के बाद उसमें ड्रिप लाइन बिछाई जाती है, जिसको टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से बिछाया जाता है, ड्रिप लाइन जिसको हम लेटरल बोलते हैं। लेटरल बिछाने के बाद ऊपर में मल्चिंग की जाती है, प्लास्टिक मल्च जो होता है वो 30 से 50 माइक्रॉन तक की जो मोटाई के पॉलीथीन होते हैं उसको यहाँ पे बिछाया जाता है हर बेड में। उसके बाद निश्चित दूरी पर इसमें छेद की जाती है, जैसे फूल गोभी पत्ता गोभी या ब्रोकली की बात करें तो इसमें 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 40 से 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखी जाती है। उसी निश्चित दूरी पर सबसे पहले इसको छेद की जाती है, छेद करने के बाद एक एक पौधों को यहाँ पे लगाया जाता है और उसमें हल्की सी इरिगेशन दी जाती है। इसके लिए पहले नर्सरी तैयार करना पड़ेगा, सबसे पहले बीज की जो चयन है, बीज की अच्छी वैरायटी का चयन करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे, जैसे फूलगोभी की बात करें तो इसमें राजकुमार करके वैरायटी है, ललिता करके वैरायटी है, अर्ली ग्रीन करके वैरायटी है, स्नोबाल करके वैरायटी है, ये सारे वैरायटी फूलगोभी की है। और ब्रोकली की बात करें हम, सयाली वैरायटी है, साधना वैरायटी है, ग्रीन मैजिक वैरायटी है, ये तो ये सारी वैरायटी को यहाँ पे लगाया जा सकता है। पत्ता गोभी की बात करें तो अहिल्या एक बहुत अच्छी वैरायटी है, अदिति एक बहुत अच्छी वैरायटी है, और इसमें बहुत सारी और भी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, सारी वैरायटीज़ को ले सकते हैं। इसको सबसे पहले हम नर्सरी लगाते हैं बीजों को,
बीज को नर्सरी लगाने के लिए किसान भाई पहले वो ओपन में नर्सरी लगाते थे तो बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम आता था। तो आज प्रोट्रे सिस्टम में नर्सरी लगाया जाता है, प्लास्टिक का बहुत ट्रे आता है जिसमें 98 छिद्र होते हैं, कहीं 126 छिद्र होते हैं, 226 छिद्र होते हैं। इस प्रकार की छिद्र वाले सेल में एक एक बीज को लगाया जाता है। इसके लिए मीडिया जो है या गोबर खाद के साथ मिट्टी की मात्रा 1:1 में मिलाकर इसको प्रोट्रे को भरा जाता है, या इसके अलावा वर्मिकुलाइट, परलाइट और कोकोपीट, इसका 3:1:1 के अनुपात में भी इसको भर के बीज की मात्रा एक एक बीज को उसमें डाला जाता है। जैसे ही बीज को डाला जाता है उसमें डालने के बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं और प्लास्टिक में इसको लपेट कर रखा जाता है जिससे बराबर मात्रा में जर्मिनेशन आता है। जैसे ही जर्मिनेशन इसका चालू हो जाए तो प्लास्टिक को हटा देते हैं और उसके बाद ओपन में प्राइमरी हार्डनिंग, जिसको हम कठोरीकरण करते हैं, कठोरीकरण बोला जाता है, कठोरीकरण के लिए इसको प्राइमरी हार्डनिंग में रखा जाता है। इसको 15 से 20 दिन तक प्राइमरी हार्डनिंग में रखते हैं और सेकेंडरी हार्डनिंग में उसके बाद 10 से 12 दिन तक रखा जाता है। इस प्रकार 25 से 30 दिन में जो थरहा है, हमारी नर्सरी है, वो तैयार हो जाती है, वो लगाने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार प्रॉपर कठोरीकरण किए हुए थरहा को अगर हम परमानेंट फील्ड में लगाएँ तो मोर्टिलिटी, जो मरने की संभावनाएँ, बहुत कम हो जाती है और हमको अच्छे स्वस्थ जो पौधे हैं प्राप्त होते हैं। किसान भाई हो, देखे हो पाणीग्रही जी बतावत रही से कि मल्चिंग लगाए हैं ते में निश्चित एक दूरी बना है, उमें दूरी में छेदा करे रही थे। नर्सरी तैयार कर एक विधिल बताई से कतका दिन में तैयार हो जी नर्सरी, ओकर बाद वहाँ रोपाई करना है और रोपाई करे के बाद ओकर संरक्षित खेती करना है संगवारी हो। अब बात आते है कि जल प्रबंधन करना है, पानी देना है, तो सामान्य रूप से हम खेती करते हैं तब पानी कतका लागी और टपक सिंचाई के माध्यम से हम पानी देबो, कब कब पानी देबो, कतका घंटा पानी पलोबो, संरक्षित खेती करना है तब गोभी वर्गी के साग भाजी में आवाओ जानकारी लेथन का कहा थे। जो बाहर में खेती की जाती है उसमें सिंचाई का प्रॉपर प्रबंधन नहीं हो पाता, उसमें सिंचाई का उतना उपयोग नहीं हो पाता, दक्षता का उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन टपक सिंचाई एक सिंचाई का ऐसा माध्यम है जिसमें सिंचाई की दक्षता बहुत अत्यधिक होती है। इसमें लेटरल के माध्यम से पौधे के जड़ के पास बूंद बूंद करके पानी जाता है। इस सिंचाई की एक खास बात यह है कि पौधे को जितना मात्रा में पानी लगता है उतनी मात्रा में ही पानी हम दे पाते हैं, क्योंकि अगर मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हम पाइप के माध्यम से दे दिया जाए तो इससे पानी की नुकसान तो होती ही होती है, साथ ही साथ हमारे श्रम की नुकसान भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की नुकसान होती है और बहुत हमारे जो ऐसे संसाधन है, जो महत्वपूर्ण संसाधन है, उसकी भी नुकसान होती है। तो टपक सिंचाई के माध्यम से पानी बूंद बूंद करके पौधों के जड़ के पास देने से पौधे की विगर और ओज और उसकी बढ़वार और उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत अच्छे से इसमें मेंटेन रहती है। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, टपक सिंचाई के माध्यम से हम लोग खाद भी देते हैं। तो इसमें खाद देने से क्या होता है कि जितने भी वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर्स हैं इसमें आसानी से घुल जाते हैं और पौधे को उसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे मात्रा में मिलने लगते हैं, जिससे हमारी जो प्रोड्यूस है बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में हमको मिलने लगते हैं। किसान भाई बहनी हो, देखे हो पानी देना है तो टपक सिंचाई के पाइप जो नाले हैं तेकर माध्यम से देना है, बूंद बूंद और जमीन ला देखते हुए देना है। तो संगवारी हो, ये तो रही सिंचाई प्रबंधन। बेरा हो गए एक क्षण विराम के, विराम में आप मन देखो कुछ खास बात। ए लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36-44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अने एना लीधे मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नथी अने एनाथी हूँ सारी एवी खेती करी शकूं छूं। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए PM किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए PM किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है, इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। आवा संगवारी हो, फिर चर्चा करन गोभी वर्गी साग भाजी के संरक्षित खेती के। अब सिंचाई प्रबंधन के बाद संगवारी हो, देखा हो ये माने जाते कि यदि टपक सिंचाई के पाइपलाइन आप डारे हो तो उही में खाद लभी घोल के भी दे सकत हो, संगे संग पानी भी दे सकत हो, संगे संग खाद भी दे सकत हो। बाहर ले छिड़काव करबे बहुत सारा एति उती भी चले जाते।
तो खाद प्रबंधन हमला पाइपलाइन के माध्यम से कब कब देना है, कैसे देना है, कौन सा खाद देना है, कैसे घोल बना के देना है, ये सब बात ला बतावत है पाणिग्रही जी है। अब का बतावत है आप मन देखो संगवारी हो। इसमें सिंचाई और खाद का जो व्यवस्था है हमको साथ ही साथ भी कर सकते हैं, इसको फर्टिगेशन सिस्टम कहते हैं। टपक सिंचाई के माध्यम से सिंचाई का पानी और जो उर्वरक है हम एक साथ घोल के दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो ऐसे फर्टिलाइज़र हम लोग लेते हैं जो जल में कम्प्लीटली सोलूबल होते हैं, वाटर सोलूबल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे 19-19-19, 13-0-45, 12-61 जीरो और 00-50, इसमें ऐसे उर्वरक होते हैं जो जल में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। सिंचाई का जो जल है, एक तो लगाने के तुरंत बाद, पौध लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, उसके बाद हर तीसरे या चौथे दिन में सिंचाई का पानी है पौधों को देना चाहिए, और जब पौधे एक हफ्ते या 10 दिन का हो जाए उसके बाद जो हम उर्वरक की मात्रा इसमें देने लगते हैं। हर फसल का एक फर्टिलाइजर शेड्यूल होता है, उसी शेड्यूल के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा इसमें दी जाती है। तो इसके लिए हम 19-19-19, 13-0-45, 00-50 और 13-0-45 की मात्रा इसमें पौधों को दी जाती है। तो देखियो ना संगी हो, पाइपलाइन के माध्यम से पानी, खाद और कौन सा खाद कैसे देना है सब ला बताई से। अब बात आते कि संरक्षित खेती हम करत हन तभो ले कुछ न कुछ संभावना रोग राई के, कीड़ा मकोड़ा के लगे के संभावना रिथे का, और रिथे तो कैसे कर पहचान है, पहचान डरेन तब वो कर उपाय कैसे करबो, कर से बचाए बर फसल ला बचाए बर, आर्थिक रूप से नुकसान होवैया ला बचाए बर, तो ये सब बात ला हमन बतवात हन पाणिग्रही जी से। अब का बतात पाणिग्रही जी, आप मन देखो सुनाओ संगवारी हो। देखिए आप इसको देख रहे हैं संरक्षित संरचना है, इसमें रोग और कीट की संभावना न के बराबर होती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे एंटी रूम बने हुए हैं, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें एंटी रूम पहले, उसके बाद बंद करेंगे, फिर उसके बाद अंदर घुसेंगे, तो इसमें इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज़ घुसने की संभावना न के बराबर होती है। फिर भी 2-4% इंसेक्ट पेस्ट यहाँ भी लग जाते हैं, लेकिन बाहर की खेती देखें तो उसमें इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं। इसमें यही अंतर होता है कि यहाँ पर विपरीत जलवायु में भी, विपरीत इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज़ कंडीशन में भी यहाँ पे आसानी से किसान कर सकते हैं। इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज़ की संभावना इसमें न के बराबर ही होती है। देखिए इसमें आप दिख जाता है अलग से, इसमें 3-4 प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज़ जो हैं ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे पहले इसमें माहू जो होता है गोभी वर्गीय सब्जियों में, जैसे आप पत्ता गोभी की बात कर लें या फूल गोभी की बात कर लें, माहू जो क्या करता है, ऐसा इंसेक्ट होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं इसमें, ये इंसेक्ट जो है ग्रुप में अटैक करते हैं, एक आर्मी वर्म की तरह अटैक करते हैं, और पूरे जो इसके जो कोमल पार्ट्स होते हैं पत्तियों के और टहनी के, इसको सबको चूस लेते हैं, और कभी कभी ये जो ऊपर का फूल पोर्शन होता है फूल गोभी का पोर्शन में पत्तियों में, ये इकट्ठा हो जाते हैं और इसके सारे रस को चूस लेते हैं, तो पौधे का ग्रोथ जो है एक स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाता है पूरा, और जो उससे हमको फूल मिलती है वो छोटी साइज़ का मिलती है और वो भी डिफॉर्म हो जाती है, साइज़ अच्छी नहीं रहती। दूसरी इंसेक्ट की बात करें तो इसमें एक पत्ती खाने वाला सुरंग होता है, सुरंगी कीट हमको इसको कहते हैं, इसमें इसको सारे पौधों की जो नसें होती है उसको पूरा छलनी कर देता है और एक नसें पूरे दिखने लगती है, इससे पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, पौधे भी बहुत छोटे रह जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इंडोक्सोकार्ब 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, और जो माहू का नियंत्रण है उसके लिए इमिडाक्लोपिड 1 ml पर लीटर के हिसाब से पानी का स्प्रे करना चाहिए। तीसरी जो इंसेक्ट इसमें होती है, इसमें वाइट फ्लाई भी कभी कभी आता है, तो वाइट फ्लाई भी क्या करता है, ये भी बहुत बीमारी फैलाने का काम करता है, ये वेक्टर का काम करता है, तो इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोपिड 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से देना चाहिए, या एक नई दवाई आजकल आ गई है मार्केट में पेगासस, इसका 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से स्प्रे करके देना चाहिए। डिसीज़ की बात करें इसमें, तो एक डिसीज़ में इसमें पहला जो है डैम्पिंग ऑफ डिसीज़, जिसको हम आर्द्र गलन के नाम से जानते हैं, इसमें छोटे स्तर पे जब पौधे छोटे रहते हैं इसमें पौधे गलने लगते हैं, ये 2 या 3 कारण इसमें इसके होते हैं, या तो दूसरी, पहली बात इसमें सिंचाई का बहुत ज़्यादा पानी उपयोग किया जा रहा है, दूसरी बात फंगस का अटैक हो गया है इसमें, और तीसरी बात इसमें पानी अगर मान लो जमा हो गया है खेत में तब भी ये पौधे इसमें गलने लगते हैं। तो इसके निराकरण के लिए, इसके कंट्रोल के लिए हमको सिंचाई का पानी को कंट्रोल करके देना चाहिए, नियंत्रित वे में देना चाहिए। दूसरी बात इसमें फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, रिडोमिल गोल्ड 1 से 1.5 ग्राम
प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के पौधों के जड़ के पास इसको ड्रेंचिंग करना चाहिए और साथ ही साथ बावस्टीन 1 से 1.5 ग्राम का घोल बना के इसके पौधों पर भी स्प्रे करना चाहिए। दूसरी इसमें लीफ ब्लाइट करके समस्या आती है, ये भी एक फंगल डिसीज़ होती है। इसको नियंत्रण करने के लिए फंगीसाइड का स्प्रे किया जाता है, जो सिस्टमिक फंगीसाइड आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, साफ करके आता है, उसका कार्बन रेजिम और मेनकोजेब का इसमें मिश्रण रहता है, इसको 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के स्प्रे करना चाहिए। और इंसेक्टिसाइड हो या फंजीसाइड्स हो, इसको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि एक ही फंजीसाइड को या एक ही इंसेक्टिसाइड को बार बार स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस इंसेक्ट में प्रतिरोधक क्षमता इसमें आ जाती है। तो इंसेक्टिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो या फंजीसाइड हो, इसको 15 दिन के अंतराल पर चेंज करते रहना चाहिए, जिसमें इंसेक्ट से में प्रतिरोधक क्षमता न आ पाए और हमारा जो इफेक्टिव कंट्रोल मेजर हो सके। आज के कार्यक्रम बने लागी सोई संगवारी हो तो हमारा चिट्ठी पाती लिखाओ ये पता में। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। आप मन के चिट्ठी पाती के मन के बाद जो लिखे रही थे कर हमला अगोरा रही। तो संगवारी हो जाए के बेरा हो गए, काबर के संझा के बेरा घड़ी के टिक टिक बतावा थे कि 6 बजैया है और 6 बजे हमन आप मन से विदा लेथन। अवैया बेरा फिर आप मन संग गोट बात करे बराहूँ, तब तक मुला देव विदा। जय जोहार, राम राम।